Hey everyone, welcome to a brand new video of Motorcycle Throttle. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे this unique and fantastic scooter called the Ebonesta. तो start करते हैं ये video. Let's talk about the design of the scooter. सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी color scheme की, जो कि है बहुत ही minimal और इसमें जो race graphics भी दिए गए हैं दोनों side में वो भी हैं बहुत simple. अगर इसको हम सामने से देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं. पहली, एक यूनिक पीक शेप्ड फ्रंट लाइट्स, जो मेरी डिज़ाइन मामले में सबसे फेवरेट हैं, और उसके अलावा इसका जो बिग बोल्ड एलईडी हेडलैम्प है जो इसके फ्रंट में रहता है. इसके अलावा अगर हम साइड से देखें तो साइड से अगर आप वीडियो में इसको देख रहे हो तो ये छोटा लगता है, बट अगर आप इसको सामने देखो तो ये काफ़ी बड़े डिसेंट साइज का स्कूटर है, जो जनरली बाकी स्कूटर से इस रेंज में थोड़ा बड़ा है. इट लुक्स लाइक अ रेस रेडी स्कूटर फ्रॉम ऑल एंगल्स. इसका जो रेसी एग्जॉस्ट है, अगर आप साइड में देखो, रेस स्टाइल का एग्जॉस्ट है, ये भी काफी अच्छा लगता है, पूरे स्कूटर को एक रेस फील देता है. उसके अलावा इसके जो अलॉय व्हील्स हैं और इसके जो डिस्क ब्रेक भी लगी है वो भी इसे ओवरऑल एक रेस इंस्पायर्ड डिजाइन फील देते हैं. इसके जो पीछे के हेडलैम्प्स हैं वो भी बड़े यूनिक हैं, वो इनवर्ड टाइप के हेडलैम्प्स हैं, ट्रायंगल शेप के, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नए हैं. मैंने ऐसे हेडलैम्प्स की स्कूटर में नहीं देखे. जो इसका ओवरऑल स्टाइल है वो है बिग बोल्ड टू टोन कलर, जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं रखे गए हैं और डिज़ाइन को सिंपल और ईजी ऑन द आइज रखा गया है. तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में मैं इसको देता हूँ 4 out of 5. बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, इट इज प्रीटी गुड फॉर इट्स एंट्री प्राइस. परफॉर्मेंस से पहले ये स्पेक्स आप देख लो. उसके बाद हम चलते हैं और राइड करके इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं. एज आई सिट ऑन द स्कूटर, इसकी सीट जो है वो बिग है, कंफर्टेबल है और एज अ राइडर आपको अपराइट बिठाती है. तो एज अ राइडर आप इमीजिएटली कंफर्टेबल फील करोगे. जैसे ही मैं इसको पिकअप करता हूँ ये इमीजिएटली क्विकली पिकअप हो जाता है और इंस्टेंट इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाती है. एग्जॉस्ट नोट इसका बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, जैसे सुजुकी की बाइक्स और स्कूटर्स में होता है. इसका जो 124cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है वो डिसेंट पावर स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड करता है. शुरू से ही स्कूटर फील्स पेपी एंड लीनियर थ्रू आउट द पावर बैंड. ना जैसे जैसे मैं इसको आगे पुश करता हूँ वैसे वैसे स्कूटर इनफ पंच जनरेट करता है जो एक राइडर को सिटी में चलाने के लिए चाहिए. तो पावर वाइज दिस इज अ डिसेंट स्कूटर, जिसमें हर पावर बैंड में एक लीनियर पावर भरी गई है. सस्पेंशन और स्टेबिलिटी वाइज ये स्कूटर यहाँ पे शाइन करता है. टू थिंग्स हैं जो इसके पक्ष में जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है. पहली चीज़ है इसका थोड़ा हैवी वेट और इसका इमेंस साइज. ना इसका जो बैलेंस है वो बहुत ही बढ़िया है. ये स्कूटर बिल्कुल रोड से चिपक के चलता है. मोस्ट स्कूटर्स जो मैंने चलाए हैं या मैंने देखे हैं, स्पेशली इन दिस कैटेगरी, ये स्कूटर्स बहुत स्लिप अप करते हैं और थोड़े से अनस्टेबल लगते हैं ऑन द रोड. जहाँ पे थोड़ी सी रफ सर्फेस आ जाती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल टायर साइज, वो हड़बड़ाते हैं और फिसलते हैं. बट ये स्कूटर, क्योंकि इसका वेट और इसका साइज काफ़ी अच्छा है, इस स्कूटर में एक अच्छा सस्पेंशन दिया गया है जो इसे स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखता है ऑन एनी सॉर्ट ऑफ रोड. उसके अलावा इस स्कूटर में ग्रिप बहुत अच्छी है, इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं, ये ज़्यादा स्किड नहीं करता और इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी डिसेंट है एज कम्पेयर टू द अदर स्कूटर्स इन दिस कैटेगरी. तो इस स्कूटर में यूजेबल स्पेस बहुत है, ये स्कूटर स्टफी नहीं लगता है, आगे पैर रखने की भी इनफ जगह दी हुई है और आपको इस स्कूटर में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा लंबा और बड़ा स्कूटर है अगर आप इसे सामने से देखते हो. तो ओवरऑल इस स्कूटर का यूज केस बहुत अच्छा है फॉर अ राइडर दैट टू वांट्स टू राइड इन द सिटी. इसमें एक 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और ये आपको 45 से 50 किलोमीटर की माइलेज देता है, जो काफ़ी अच्छी है कंसिडरिंग द अदर स्कूटर्स इन दिस सेगमेंट. मे भी शायद होंडा एक्टिवा की थोड़ी ज़्यादा है, बट इसकी भी काफ़ी डिसेंट है अगर आपको इसको सिटी रोड्स में
रन करना है। तो ओवरऑल अगर आप पावर की बात करें या फिर स्टेबिलिटी की बात करें या फिर यूजेबिलिटी की बात करें, तो उस सेंस में ये एक अच्छा स्कूटर बनाया है जिसमें डिसेंट पावर है, बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी और हैंडलिंग है, और डिसेंट और अच्छी यूजेबिलिटी है विद गुड अमाउंट ऑफ माइलेज अवेलेबल इन द स्कूटर। तो ओवरऑल राइडेबिलिटी के लिए, यूजेबिलिटी के लिए मैं इसको देता हूँ 4.2 out of 5। इट इज अ डिसेंट स्कूटर टू हैव इफ यू वॉन्ट टू राइड इन द सिटी। नेक्स्ट अप आर द फीचर्स गिवन इन द स्कूटर। सबसे पहले ये E20 फ्यूल कंप्लायंट है जो कि बेस्ट है। ये वाला जो E20 फ्यूल होता है ये लेस पोल्यूटेंट वाला फ्यूल होता है। अगर आपका स्कूटर कंप्लायंट है तो आप इसमें ये क्लीन फ्यूल डलवा सकते हो। उसके अलावा इसका जो मैसिव 21.8 लीटर अंडर सीट स्टोरेज है वो लार्ज इनफ है टू कीप ऑल सॉर्ट्स ऑफ छोटी छोटी एक्सेसरीज एंड प्रोडक्ट्स। दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव व्हेन यू नीड अ स्कूटर टू राइड इन द सिटी। इसके अलावा इसने इंटरेस्टिंग मल्टीपर्पस की दी गई है जो इसको स्कूटर को भी लॉक करती है और फ्यूल टैंक को भी लॉक करती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। उसके अलावा इसमें एक फ्रंट बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स के अंदर आप छोटा मोटा कुछ स्टोर भी कर सकते हो और आपका USB सॉकेट भी इसमें अवेलेबल है। उसी के राइट में यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट, छोटा सा एक फ्रंट रैक दिया गया है स्टोरेज के लिए जो की के नीचे है, और इसमें दो कन्वीनियंट डुअल हुक्स दिए गए हैं जो आपके लगेज बैग्स को अटका लेते हैं। उसके अलावा यूजेबिलिटी के पर्पस के लिए इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो भी काफ़ी लार्ज है, जहाँ पे आपने पैर के साथ साथ और सामान भी रख सकते हो। इसका फाइनल फीचर ये है कि इसमें साइड स्टैंड इंटरलॉक दिया गया है जो सुजुकी की मैक्सिमम बाइक्स में होता है, जो अलाउ करता है कि स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा अगर साइड स्टैंड लगाए। तो इट्स अ डिसेंट सेफ्टी फीचर टू हैव इन योर स्कूटर। बाय द वे इसमें एक और फीचर है जो मैं बताना भूल गया, इसकी LCD स्क्रीन जो काफ़ी अच्छी है, जिसमें मोस्ट सारे जो आपके ब्लूटूथ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जैसे कॉल के, व्हाट्सएप के, मैसेजिंग के, सब कुछ अवेलेबल है, सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। एंड दिस इज अ प्रीटी यूजेबल फ्रंट स्क्रीन। और हाँ, इसमें राइड स्मार्ट कनेक्टिविटी भी दी गई है जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। फीचर वाइज वी रेटेड 4.2 out of 5। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, मोस्ट फीचर्स जो मोस्ट स्कूटर्स में होते हैं वो अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल अगर आपको स्कूटर लेना है, एक बड़ा अच्छा स्टेबल स्कूटर लेना है, और आप होंडा एक्टिवा से अलग ऑप्शन देखना चाहते हो, तो आप इसे भी देख सकते हो। इट्स अ प्रीटी गुड स्कूटर, अच्छा चलता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चलता है, सेफ्टी वाइज अच्छा है, फंक्शंस बहुत हैं, और इसमें वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको दूसरी रेंज के स्कूटर्स में मिलेंगे, मे बी एक दो एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें दिए गए हैं। यूजेबिलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है, अंडर सीट स्टोरेज के अलावा बैग्स के लिए जगह, फ्लोर बोर्ड, हर मामले में ये इट्स अ वेरी गुड स्कूटर एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन पूछने हो तो हमें वीडियो में बताना, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी या।